हेलो फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डोरमेट डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें 9 नंबर की सिलाई चाहिए और 2 कलर की ऊन चाहिए। और ये डिजाइन हमारा एक फंदे से शुरू होता है और एक फंदे से ही ख़त्म होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगा। तो पहले एक फंदा डालना है, एक फंदे से हमने ये कली शुरू करनी है। ऐसे नॉट बना के एक फंदा हो गया। अब हर सिलाई में हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। तो एक फंदा ये है और धागे को ऐसे सिलाई में ऐसे पीछे से लपेट के आगे लाना है। तो ये हमारे पास 2 फंदे हो गए और इस फंदे को ऐसे उल्टा बुन देंगे। फिर इस सिलाई में पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे जैसे भी आप फ्रेंच फंदे बढ़ाना चाहते हैं वैसे बढ़ा सकते हैं, मैं ऐसे बढ़ा रही हूँ। तो ये 2 फंदे हो गए और ये 3। तो शुरू में हमें एक फंदा बढ़ाना है और बाकी फंदे उल्टे बुन देने हैं। ऐसे धागे को लपेटा सिलाई में और ऐसे ये 2, एक फंदा नॉट से हो गया, 2 और ये 3, 4। फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे एक फंदा हो गया नॉट से, फंदा घुमाने से 2, 3, 4, 5। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे तो ऐसे धागे को ऐसे सिलाई में पीछे ले जाएंगे, फिर ऐसे नीचे से इधर लाके ऐसे घुमा के एक फंदा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इधर एक फंदा बढ़ाया, हर बार एक एक फंदा बढ़ाते जाना है दोनों सिलाइयों में, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह फ्रेंड्स बढ़ाते हुए 7 फंदे हो गए, 2, 4, 6, 7। तो यहाँ 17 फंदे बढ़ाने हैं, तो मैं 17 फंदे दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है दोनों सिलाइयों में, तो मैं 17 फंदे बढ़ाने तक आपको बुन के बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों सिलाइयों में यहाँ एक एक फंदा बढ़ाते हुए यहाँ मैंने 17 फंदे बढ़ा लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 17। अब यहाँ सेकंड कलर लगाने हैं। और क्या यहाँ क्या करना है, पहले हम दोनों सिलाइयों में एक एक फंदा बढ़ा रहे थे, अब दूसरा कलर लगा के दोनों साइड यहाँ एक फंदा घटाना है, एक सिलाई में दूसरी सिलाई में इधर से घटाना है, जैसे बढ़ा रहे थे वैसे अब हमें फंदे घटाने हैं। तो पहले कलर चेंज करना है और इन 2 फंदों का एक कर देना है, ऐसे 2 का एक किया और बाकी सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। इस धागे को ऐसे ले लेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। एक फंदा घट गया तो 16 फंदे हो गए। अब यहाँ फिर एक फंदा घटाना, जैसे हम बढ़ा रहे थे अब हमें फंदे घटाने हैं। यहाँ एक फंदा घटाया, 2 फंदों का एक किया, बाकी सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। इस धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ केवल क्रीम कलर से बनाना है। फिर से 2 फंदों का एक किया और बाकी सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। फिर से यहाँ 2 फंदों का एक किया और बाकी सारे फंदे उल्टे बुन देने हैं। केवल शुरू में दोनों सिलाइयों में हमें एक एक फंदा घटाते रहना है और बाकी फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। फिर यहाँ 2 फंदों का एक करेंगे, ऐसे
और बाकी सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स दोनों सिलाइयों में शुरू में एक एक फंदा हमें घटाना है और घटाते हुए लास्ट में एक फंदा रह जाएगा। जैसे हमने एक फंदा से शुरू किया था वैसे ही लास्ट में एक फंदा हमारे पास बच जाएगा। तो मैं एक फंदे तक इनको घटा के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हर सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए यहाँ सारे फंदे घटा लिए। अब दो फंदे बचे हैं, इन्हें भी घटा लेते हैं। ऐसे लास्ट में दो फंदों का ऐसे एक कर देंगे। अभी एक फंदा बचा, इसको ऐसे खींच के और इस धागे को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ इसे ऐसे खींच के टाइट कर लेंगे। और बाद में इन धागों को ऐसे दोनों धागों को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये कली बनाई है ऐसे ही टोटल चार कलियाँ बनानी हैं। एक कली बना ली है, तीन कलियाँ और बनानी है। तो मैंने तीन कलियाँ और बना ली हैं। एक ये हो गई, ये दो, तीन, चार। तो अब देखिए इन्हें ऐसे रखना है, इस कली को ऐसे रखना है और दूसरी कली को ऐसे, इसको ऐसे, इसको इधर ऐसे रखना है। अब इस वाली कली को फ्रेंड्स ऐसे रखना है। इन दो कलियों को हमने ऐसे नीचे के लिए किया ये कलर, और इसमें ये कलर ऊपर के लिए होगा। ऐसे ऐसे, और फिर इनकी यहाँ से इस कली को यहाँ से यहाँ, और इनको इधर से और इधर, इन चारों कलियों को ऐसे जोड़ देना है। तो इनकी सिलाई कर देनी है। तो ऐसे कलियों को ऐसे उल्टा रखना है, उल्टे साइड से सिलाई करनी है। ऐसे ऐसे पहले दो कलियों को जोड़ेंगे, ऐसे थी ऐसे, तो इनको ऐसे जोड़ देना है। तो ऐसे सुई में धागा डाल के इन दो कलियों को ऐसे सिलाई कर देनी है। ये जो धागा हमारा छूटा है इन्हें भी ऐसे दबा लेंगे, और इस कली से ऐसे सुई डालनी है और इधर ऐसे ऐसे इनको जोड़ देना है। यहाँ से फिर इस कली को लिया इस साइड से, ऐसे इनकी सिलाई कर देनी है। दोनों कलियों को सिलाई हमें उल्टी साइड से करना है। ऐसे तो इसी तरह फ्रेंड्स चारों कलियाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे सिलाई करनी है वैसे इनकी सिलाई करनी है। तो मैं चारों कलियों को जोड़ लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए, तो ऐसे ही मैं चारों कलियों को जोड़ लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ इनकी ऐसे सिलाई कर दी है। तो बनने के बाद ये डोरमेट ऐसे दिखता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये डोरमेट बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिज़ाइन कैसे लगा। थैंक यू।